राजकुमार सांगवान इसका प्रचार प्रसार करेंगे। बताया जा रहा है कि करीब 2 बजे के बरौली विधानसभा पहुंचेंगे सीएम। गवाना तहसील के सामने जनसभा को वो संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी सतीश गौतम के पक्ष में जनसभा करेंगे। दो जिलों के दौरे पर रहेंगे आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बागपत और अलीगढ़ में आज सीएम की जनसभा होगी। देखिए 11 बजे कहा जा रहा है कि बागपत में वो जनसभा को संबोधित करेंगे और वहीं आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। लगातार 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, रैलियां कर रहे हैं, वो जनता को संबोधित कर रहे हैं और इसी बीच आज वो 2 जिलों के दौरे पर रहेंगे। इनके साथ कहा जा रहा है कि आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी भी इस दौरे में शामिल रहेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। सारा जानकारी के साथ संवाददाता सिमाब हमारे साथ जुड़े हैं। सिमाब, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 जिलों के दौरे पर रहेंगे, देखिए लगातार वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं इस वक्त। देखिए पश्चिम में चुनाव जो है वो पूरी तरह से चढ़ चुका है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर प्रचार कर रहे हैं। यही वजह है कि आज अलीगढ़ और बागपत के वो दौरे पर रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में वोट मांगेंगे। पिछले लगभग एक सप्ताह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं और प्रचार प्रसार का काम उनका जारी है। आज भी वो अलीगढ़ और बागपत जाने वाले हैं, वहां पर जो प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के उनके पक्ष में वोट प्रचार करेंगे और वोट मांगने की अपील करेंगे। बताया जा रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नेता जयंत चौधरी भी उनके साथ मौजूद रहेंगे क्योंकि अब उनका एनडीए के साथ अलायंस हो गया है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जाट लैंड मानी जाती है। जाट लैंड पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रचार करेंगे और जो वहां पर नेता हैं वो भी वहां पर मौजूद रहेंगे और पब्लिक को वो संबोधित करेंगे, तमाम जनता को संबोधित करेंगे ताकि 2024 का जो चुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी को जिताया जा सके। ये दौरा लगातार जारी है, एक के बाद एक जगह पर मुख्यमंत्री जा रहे हैं और यही वजह है कि आज लगभग 12 बजे वो पहले अलीगढ़ पहुंचेंगे और अलीगढ़ में संबोधित करेंगे जनता को और उसके बाद फिर वहां से वो बागपत जाएंगे और 2:10 पे लगभग वहां पर पहुंचने के बाद वो वहां के लोगों को संबोधित करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट मांगेंगे। जी बिल्कुल समाप्त। देखिए जिस तरीके से जब आरएलडी और एनडीए का गठबंधन हुआ तो कहा जा रहा था कि जाट लैंड में जो खासकर किसान वर्ग के लोग हैं वो नाराज दिखेंगे और कहीं ना कहीं एक मंच में जुटकर एक संदेश देने की कोशिश की जाएगी। देखिए जाहिर है कि ये पहले इंडिया गठबंधन के साथ जयंत चौधरी थे और अखिलेश यादव ने उनको सीटें भी दी थी, 7 सीट दे दी थी, लेकिन बाद में जयंत चौधरी का हृदय परिवर्तन हुआ और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए और चौधरी चरण सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने भारत रत्न से नवाजा और यही वजह रही उनका कहना है कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ गए। हालांकि भाजपा के साथ उनको 2 सीटें मिली लेकिन उन्होंने अपने आप को वहां पर जाना जो है वो ज्यादा महफूज समझा, ज्यादा सेफ समझा क्योंकि उनका उत्तर प्रदेश सरकार में एक मंत्री भी हो गया है और साथ ही साथ आसार ये हैं कि अगर भाजपा की केंद्र में सरकार बनती है तो जयंत चौधरी को भी कैबिनेट जॉब में मिनिस्टर बनाया जाएगा, केंद्र में मंत्री बनाया जाएगा। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए जयंत चौधरी ने एक फैसला लिया और वो उनके साथ चले गए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी की पार्टी का ठीक ठाक असर है, जाट लैंड कही जाती है, किसानों के नेता कहे जाते हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ आज वो सभाओं में रहेंगे, वहां पर जनता को संबोधित भी करेंगे और 2024 का जो चुनाव होने वाला है उसमें एनडीए गठबंधन के लिए वोट भी मांगेंगे। जी बिल्कुल सिमाब, आप बने रहिएगा हमारे साथ। और अब खबर लखनऊ से, जहां पर यूपी के मदरसों को लेकर आज सुनवाई की जाएगी। हाईकोर्ट के आदेश